नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। सफाई के प्रति सोच बदलने से स्वच्छ होगा भारत, कहा कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने। तरनतारन में 1965 की जंग के उपलक्ष्य में मनाई गई गोल्डन जुबली। अकाली सत्ता के नशे में कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं का दमन, कहा कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के द्वारा सुल्तानगंज इलाके में विकास कार्यों के विशाल पट्टी पर कफन चढ़ाए जाने के बाद अब सरकार ने हरकत में आते हुए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। अमृतसर में आज कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने पत्रकारों से सम्मेलन में इस कार्य के बारे में जानकारी दी। उनका कहना है कि ये उद्घाटन आज से कुछ समय पहले अमृतसर के साउथ इलाके में हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है और आज वह इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट 21 महीने का है और ये 205 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ईस्ट जोन जिहड़ा जिहदे च सुल्तानविंड पिंड, कोटमित सिंह, नवा कोटमित सिंह, खालसा नगर, दबुरजी पूरी, बाबा बुढ़ा कलोनी, डायमंड सिटी, ये सारिया शहर का हिस्सा ये कॉलोनीज जड़ियाँ, तो ये मैक्सीम जोड़ा वा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है जिथे इंद्रबीर बुलारिया जी इलैक्शन लड़े है। और ये भी याद होना कि एक बार क्योंकि उत्थे जो बरसातों तो बाद हाल हों पानी भर जाता, पानी की निकासी कोई नहीं, सीवरेज नहीं, वाटर सप्लाई का सिस्टम नहीं, शहर से जरूर कॉलोनीज आ गई पर जायका दे विच भी वो नहीं आ सकिया। जायका दे विच पहला जिहड़े आ 3 जोन सी, नॉर्थ जोन, साउथ ईस्ट जोन, ये सारे जिहड़े आ पहला जायका जिहड़ा सीवरेज पै रहा सी 600 करोड़ का काम बाकी इन्हां तिन्नां चौं एरिया का चलता पिया बहुत लंबे समय तो, उहदे च बहुत गड़बड़ां डले काफ़ी हुई, उस तों बाद सड़कां नहीं बणियां सी, फिर इहदे तों ही जिहड़ा ये सिक्ख्या लैण वाली गल है भी जिथे सीवरेज पैंदा उत्थे सड़कां जरूर बन, वाटर सप्लाई भी नाल ही पवे, दोबारा पुटनी ना पवे। पर कुछ कारणां करके उस वेले साडा प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ सकिया। उस तों बाद हुण असी 207 करोड़ रुपए का जिहड़ा काम है वह अज असी इत्थे उद्घाटन, क्योंकि उद्घाटन हो चुका, सेल लगी आ कल परसों, कांग्रसियां ने ड्रामा भी किया उत्थे, सानू काम का पता, सानू उहदा पता भी असी की करना, कि उहदे च पहले कम्मां तों शिक्षा लैके की सुधार करना, असी परफेक्ट सिस्टम दे नाल ये जिहड़ा काम डिपार्टमेंट ने जिहड़ा वह अज मैं इत्थों ही जिहड़ा उहदा उद्घाटन कर रहा, यह सारा काम 10 साल की मेनटेनेंस के नाल अज तो असी उस साउथ ईस्ट वाला जिहड़ा वो कपड़ा जिहड़ा वा वो ला रहे हैं जिहड़ा कल उन्होंने वो पाया से। टाइम हाँ जी 21 महीने का प्रोजेक्ट है, तो ये कंपनी मेरा ख्याल है जो मैं विश्वास है इन्हें भी 21 महीने तो घट समय के पूरा करूँगा, वध नहीं लगेगा। सीवरेज की लेंथ हैगी है जी अपना ब्रांच सीवरेज जिहड़ा है वा वो 107 किलोमीटर है 8x16 का, मेन सीवरेज जिहड़ा 18 किलोमीटर है 24x56 का, STP 27.5 MLD 1 है, 27.5 MLD 1 जिहड़ा STP लगना, तो रोडा तो गलियां जिहड़ियां वो 75 किलोमीटर है। कई राजनीतियां भी हैं जिहड़ियां वो मतलब उत्थे चलदियां पईयां, फिर आपां काम पंजाब दे विच पूरे पंजाब दे विच एक बिल्कुल मॉडल काम जिहड़ा वा सारे पंजाब वास्ते अपने आप से एक मॉडल होगा वो काम शुरू असीं कर रहे हैं। 203 करोड़ रुपए का साउथ ईस्ट का सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, वो सड़कों का, उसते स्ट्रीट लाइट, फिर वो मेनटेनेंस 10 साल की, जिथे जिथे भी सीवरेज पैना जी लंबाई सीवरेज जिस तरह 107 किलोमीटर आ, ब्रांच सीवरेज मेन सीवरेज 18 किलोमीटर आ, STP लगना 27.5 MLD का, एक स्ट्रीट्स ते रोड जिहड़ियां 75 किलोमीटर जिहड़ियां वो अपना उस सीवरेज तो बाद असी बनाउणी आ, ते पूरा जिहड़ा ए एरिया हैगा जिहदे च सुल्तानविंड पिंड, कोटमित सिंह, नवा कोटमित सिंह, खालसा नगर, दबुरजी, बाबा बुढ़ा कलोनी, डायमंड सिटी, ये जिहड़ा उधर बाईपास वाला जिहड़ा जलंधर रोड आ इधरला एरिया उहदा सज्जा खब्बा, ये सारे एरिए जिहड़े इहदे च आउंदे आ, ते इहदा बहुत पुराना मतलब जिहड़ा बहुत बुरा हाल इन्हां एरिया जदों बरसातां आउंदियां जां जदों पानी की निकासी नहीं हैगी लोगों का,
रहना बड़ा मतलब जरा वा नरक वर्गा वा। तो इस ही मैं अगे भी जिस तरह दस्या वा भी असी उद्घाटन काफ़ी देर पहला किया डिप्टी सीएम साहब नू बुलाया उस उद्घाटन समारोह च, क्योंकि मैक्सीमम 90% हिस्सा जरा वा वह इंद्रबीर बुलारीए दे हल्के साउथ का पैंदा, इस करके बुलारिया साहब ने ऑर्गेनाइज किया उदों असी इहदा नींह पत्थर रखिया सी। पर कुछ कारण करके ये जरा सेंटर की न्यूरम का प्रोजेक्ट सी, इस करके उदों कुछ मुश्किल आ गई, उस तों बाद अपरूव होया, टाइम लग गया थोड़ा जहा। पर यह है भी जो टाइम लगा वा तो यह अपनी किस्म का असी बहुत परफेक्ट प्रोजेक्ट जरा बनाया। हाँ जी, वो कंपनी के लोगों को असी ऑफिसर्स नू बुला के अगे हदायत की है भी इनू थोड़ा जहा इनू स्पीडअप किया जाए, स्पीडअप होया भी आ। उस तो अलावा जो सड़कों के सारे असं एसटीमेट लै रहे हैं भी उन्होंने जोड़े सड़क पुटी गई उन्होंने भी जल्दी जरा वा असं वो बना सके। हाल की घड़ी तो मीडिया की खबर आ जी, असं हाले डिस्कशन से बहुत सारिया गल् कि लाना कि नहीं लाना कि तरीके लाना, क्योंकि मैं समझदा कि जे आप इस पंजाब सूबे अपने स्वच्छ करना तो जो कंडीशन है इंडिया गवर्नमेंट दी भी स्मार्ट सिटी बनने वे होर बाकी बहुत सारिया स्कीम जो शहर की डिवेलपमेंट वास्ते उहदे च उन्हां दी कंडीशन है उन्होंने फुलफिल करने वास्ते अपना जिहड़ा यूजर चार्जेस जिहड़े आ प्रोपर कारपोरेशन म्युनिसिपल कमेटियां नूं आ जाण, मुलाजमान नूं रोज़ रोज़ तनखाह तों हड़ताल ना करनी पवे। इस करके कोई परफेक्ट सिस्टम जिहड़ा वा वह असीं लभ रहे हैं भी जिहदे नाल सीवरेज के भी पैसे जिहड़े बिल आ वह 100% कलैक्ट हो जाण, वाटर सप्लाई के भी 100% कलैक्ट हो जाण, सॉलिड वेस्ट जिहड़ा वा सफाई का जिहड़ा सिस्टम आ उहनूं करन वास्ते भी उहदी कलैक्शन भी प्रोपर हो जाए, तो वह असी किसी न किसी तरीके जोड़ा वा वो परफेक्ट सिस्टम जो लभ रहे हैं हाले डिस्कशन च है की लाना किस तरह लाना कि लाना वा सारा कुछ होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम होगा कंप्लेंट का भी तो उन्होंने हल कर भी जे नहीं हल होंगी वो जुर्माने दूजे तीजे सारे प्रोविजन होंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध वर्ग जयंती के उपलक्ष्य में जिले के कस्बा अमरकोट में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान 1965 की जंग के विजेता रहे परमवीर चक्र अब्दुल हामिद की आसल उत्तार स्थित यादगार पर पुष्प अर्पण से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, सेना के पश्चिमी कमांड के प्रमुख जनरल केजे सिंह और कई सैन्य अधिकारी तथा राजनीतिज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अब्दुल हामिद के सुपुत्र जुनैद आलम को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया, साथ ही कई पूर्व सैन्य अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। आज जेडी श्रद्धा रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, एक मेरा ख्याल है कि पहली बार देश जो है कि जनतक सम्मानी पेश की जा रही है, सरकार की फौजिया प्रति सत्कार के प्यार से सत्कार इतने हुए। पंजाब हमेशा ही लड़ाइया का अखाड़ा बना लिया, पर असी दरवाजी हाँ उस वे महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने फौज ने उस वे की संगत ने कि उन्होंने उन्होंने आना जोड़ा है बंद करता आज देश की सरकार ने जो भी आजादी आई है कदे किसी से हमला नहीं किया, लेकिन जे किसी ने यह गलती की है। अमृतसर में बीते दिनों से चले आ रहे डंप पर कूड़े के मसले को लेकर वहां पर मिट्टी डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पर जब हमारे पत्रकारों की टीम द्वारा वहां का दौरा किया गया तो बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि वह इस प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं, साथ ही बताया कि जो कचरे पर मिट्टी का कार्य शुरू किया गया है उससे मिट्टी के नीचे दबे कूड़े में गैस उत्पन्न होने से आने वाले समय में अप्रिय घटना हो सकती है। इस संबंध में उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह यहाँ ना कोई प्लांट लगाए और जो कूड़ा है उसे भी शहर से बाहर फेंका जाए। डंप दे मसले दे ऊपर सरासर राजनीति हो रही है, ते एक गंभीर मसला है जिहड़ा अमृतसर सामना कर रहा है, पर वह गंभीर मसले का सीरीयसली हल कोई भी नहीं कढ़ पा रहा। ये उपर 20 सालों तो लोग दुख झेल रहे ने, बहुत सारिया मौतां हुई, बहुत सारी बीमारियां फैलिया। अमृतसर में 23 डंप होंदे सी शहर का, आज तो काफ़ी साल पहले जदों कूड़ा घट है सी ते 23 डंपा में जाता सी,
तो अज क्यों वो 23 डंपा का कूड़ा जदों की अमृतसर शहर भी वड्डा हो गया वै क्यों नजायज इको डंप के उपर सुटिया जा रहा वै कि इतों के लोग जड़े ने वो पत्थर दे ने कि उन्होंने कूड़े नाल बीमार नहीं होंगे या कूड़े नाल असर नहीं पैंदा। दूसरा मैं एक धन्यवाद करांगा सुखबीर सिंह बादल जी का कि एटलीस्ट उन्होंने इनिशिएटिव लिता एक इत्थे मिट्टी पाने की कोशिश की अपने वालों राहत देने की कोशिश की पर शायद उन्होंने उन्होंने अफसर ने प्रॉपरली गाइड नहीं किया कि इतों ये उपर मिट्टी पाना सरासर गलत है। यह एक विज्ञानिक ढंग नहीं है जदों अलग अलग विज्ञानिक कह चुके हैं कि ये उपर कूड़े के उपर ही मिट्टी पाने अंदर जड़िया गैसा है जिस तरह मिथेन गैस है वह तो अंदर ही रह नहीं है जड़ा अंदर अलग अलग तरह का कूड़ा पिया जिस बैटरी पई है थर्मामीटर पिया वै होर कई चीज़ा ने वो तो अंदर दी अंदर रहनिया ने जो उन्होंने गलना सड़ना वै तो उन्होंने साइंस में कहने लीचेट वो लीचेट जड़ा है अंदर जाके ग्राउंड वाटर जड़ा है जमीनी पानी खराब करेगी अमृतसर का जड़ा ग्राउंड वाटर खराब हो गया अमृतसर का तो वह सारे वास्ते नुकसानदायक है बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां जड़िया ने वो गंदे पानी नाल फैल सकदियां ने। इस करके जिस तरह साढ़े DPR साइंटिस्ट गए ही SR माले उन्होंने DPR बनाई है जिस लिखा गया वै कि कूड़े का निपटारा जड़ा है विज्ञानिक विधि एक कहिंदे आ बायो रेमिडियल टैक्नीक वो बायो रेमिडियल टैक्नीक ना कीता जाए उहदे च कोई सैग्रीगेशन की जाए अलग अलग कूड़े नूं कीता जाए प्लास्टिक अलग किया जाए दूसरा अलग किया जाए ताकि थले की जमीन जड़ी है गंदी ना हो पाए। दूसरा एक यह जड़ी जमीन है आसे पासे दाना मंडी है तो उतों का कूड़ा उठ उठ के जड़ा है दानिया में जाता वै उ दाना जड़ा है सारा पंजाब खाता वै हिंदुस्तान खाता वै एक गरीब लोगों की आस हैगी है गरीब लोग दुखी है ने सारे रल मिल के एक मसले का निपटारा किया जाए यह मसले को खत्म किया जाए क्योंकि यह पवित्र नगरी नूं जलवायु नूं जिहड़ी कि पवित्र है वह जलवायु नूं जहरीला करेगा। अगर कूड़ा ही अलग अलग हो जाएगा तो गंदगी कितें भी डंपिंग ग्राउंड की लोड़ ही नहीं हैगी। साउथ इंडिया में दक्षिणी भारत में बहुत सारे शहर यहोजे है वारंगल हैगा वै होर मैसूर हैगा वै जिथे उन्होंने बड़े वधिया ढंग नाल कूड़े का निपटारा किया बिल्कुल साफ सुथरा शहर हैगा वै चाहे वह शहर छोटा वै पर यहोजे दो शहर अमृतसर में क्रिएट किए जा सकते हैं बनाए जा सकते हैं। एक थोड़ा उपराला करना पेगा जिस तरह हस्पतालों में तीन तीन डस्टबिन ही लगाए होंगे ने कूड़े को अलग अलग किया जाता वै इस तरह ही घर कूड़े नूं अगर अलग अलग करता जाए जिहड़ा कूड़ा जिन्हों ही वेस्ट कहने वेस्ट नहीं साड़ी वैल्थ बन जाएगी साड़ी संपत्ति बन जाएगी। कारपोरेशन जिहड़े अरबां खरबां रुपये कूड़े के निपटारे वास्ते कर रही है कारपोरेशन नूं भी वो कूड़े तो कमाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं सारे बुद्धिजीवियों नूं सारे धार्मिक नुमाइंदियों नूं अपील करना वा अपने जिहड़े निजी स्वार्थ ने उन्हां तों उपर उठ के अमृतसर के भले के बारे सोचिए ते अमृतसर नूं दोबारा मुड़ सिफ्टी दा घर बनाइए। नहीं जी बिल्कुल नहीं गा दुख ही ते हुण लगे बिल्कुल साडा नाल ही मकान है जी डंप दे रात नूं कोठे सौ नहीं सकते उत्तों जदों ये हुण नप्पदे पए कूड़ा जां खिलारदे पए उंदी बदबू आउंदी है बहुत मच्छर बड़ा रात नूं तंग हुंदे कोठे सुत्ता नहीं जांदा जी बिल्कुल घर दे नाल इन्हां दा कोई भी मसला सीधे तरीके हल नहीं कर रहे जी। वेखो ये तो जो करते पे जी उन्हां वास्ते पोलिटिक्स हैगी साडे वास्ते तो जी बहुत नरक है वो भावें पोलिटिक्स करन जां जो भी करते हैं पर इत्थे 2-2.5 लाख बंदा आबादी है जी बहुत तगड़ी आबादी है नहर तो लैके सारा भगत वाला पना जी सारा शहीदम नगर साढ़े लागे लागे नहर के परे क्योंकि 2-2.5 लाख 3 कौंसलर आ जी इत्थे घट्टो घट 3 कौंसलर कोई फायदा नहीं दे रहे कोई काम नहीं हो रहा जी बड़ी अभी तो 20 साल तो परेशान हाँ जी बहुत परेशान हाँ। वेखो जी ये तो वेखो एडे वे लीडर बैठे ने जो वो शहर न बना चाहते ने एडा स्मार्ट सिटी बनाने चाहते ने तुम आप ही सियाने जे स्मार्ट सिटी शहर किमें बनेगा स्मार्ट सिटी शहर तो तद ही बनेगा कि इतने अपन सड़क साफ सुथरिया आन पानी का निकास हो गलियां पानी प्रदूषण मुक्त हो सीवरेज ये अज तो 30-40 साल पहले पे जो थोड़ा सी इलाका जहाँ तो उदों ही कुछ सोचते इलाके वसन ना देंगे हूँ इलाका पूरा वस चुका है तो हूँ इतने जे सिर्फ इन्हों 25-30 किले जगह नज़र आती है एक गौरमेंट न 25-30 किले जगह की होंगी और शहर नाले वेखो नाज मंडी वो तो हर किस्म का चौल सरों तेल उतों जो निकलना जो आप खाने वो भी कणक उड के जी उन्हें पैंती है मिट्टी कट्टा जो भी है बदबू वाली उही कणक अपने सपोर्ट करते हैं
बाहर के शहरों नू बाहर के राज्यों नू वो की उनका लाभ होएगा जी उनके उत्ते सारी बो कीड़े मकौड़े सब विच वड़ जांदे ने। इन्हां नू तो सगों चाहिए कि जिहड़ी आ मंडी वाली जगह है उन्हूं कुछ मंडी वालियां कोल करन कुछ उन्हां नू करन वधिया शहर बनाउण। जे बनाउणा जे शहर दे विच ही डंप लाता तो स्मार्ट सिटी करी रह गई। दरबार साहब है सारा किलोमीटर जी इतों दरगाना मंदिर 2-2.5 किलोमीटर इधरों आप इधरों चलो जी जी सारा लाइना लग गए नहर लग गए जी शहीदा साहब बिल्कुल लग गए बिल्कुल इन्ना कु सारा कुछ शहर शहर के ही है जी। जहाँ तो शहरों अं बहर हुई ना जी फिर तो चलो कही कि सानू कंध दे रहे ये शहर में भी नाल ही प्रदूषण कर रहे जी। हूँ बुला सरकार जाने वाली है जा आने वाली है ज अं कहने दोबारा अकाली दल आ जाए पर शहर में जोड़ा स्मार्ट सिटी का दर्जा दवाते पे ने स्मार्ट सिटी उन्होंने पैदा करनी है ज बनानी है उन्होंने वास्ते कुछ स्टैंड तो चंगा लैन असी तो ऐसे ही मंग करते हैं कि ए इलाके निजात दवाई जाए जोड़ा कि 2-2.5 लाख बंदा 3 लाख बंदा इतने रखता है वह चाहे कांग्रेस आए जी चाहे आए अपना अकाली दल सरकार आए सानू आप का कोई भी मतबल जी किसी ना कोई मतबल नहीं कोई असी इन्हें राजनीति नहीं करनी असी चाहते हैं कि जो भी जोड़ा भी अगे लगता पाया सारे अं तो हूँ मौजूदा अपना बुलारिया साहब कहने जी कि तुम मसला हल करा दो क्योंकि मौके के MLA ने MP साहब को कहेंगे जी कैप्टन अमरिंदर सिंह है जी उन्हें तक साड़ी पहुँचे मंग कि आ इलाका है वेखो जो बने कोई वड़े ही नहीं अखबारों में ही पढ़ते हैं बस अपनी रोटियां सेकते पे ने। कादिया के नजदीक हरचोवाल के एक परिवार के बच्चे की राजबाहे में लाश मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बच्चा आकाशदीप उम्र 13 साल जो कि बीते दिनों शाम के वक्त गुरुद्वारा राजा राम साहिब में सेवा करने के लिए गया था पर वापस घर न पहुंचा, जिस पर बच्चे के परिवार वालों की तरफ से उसकी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद उन्हें सुबह सखोवाल गांव के पास पड़ते राजबाहे डाट पर तैरती हुई उसकी लाश मिली। जानकारी देते DSP गुरविंदर सिंह श्री हरगोबिंदपुरा ने बताया कि उसकी माँ मनजीत कौर के बयानों के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है और एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बच्चा बच्चा 2:30 बजे गुरुद्वारे को लाया गया फड़ के राजे राम तो सेवा करने बच्चा गया ही सानू 5 बजे पता लगा ही सारे फिरे तुरे नहीं बच्चा सानू लगा साड़ी कोई और दुश्मनी नहीं होते बन्ने रेंगे पुत्र ही बन्ने रेंगे उन्हें आ छाती से मार मार के बच्चे दिया 13 साल का बच्चा वोदिया हड्डिया तोड़तिया वो लीरे लाते वो शस्त्र लाते फिर उन्हों रात फड़ के रखिया इन्ने दिने इन्ने कतल करके 4-5 बजे और गांह नहर से लै गए सखोवाल वाली से उन्हें मूधा सुटिया जदों चुकन लगे सीधा कर लगे उदा ही इदा लहू अगंडिया इतने मारिया बच्चे दिन कुछ आ गोडे भी छिलते आ मतलब सारा मार मार के बच्चा 13 साल का बच्चा 7वीं जमात च पढ़ता कतल करता वा। बेटे ना मेरा बेटा तो कितने साथ ही घरों मैं 10 बजे गुरुद्वारा साहब गया मुड़ के वापस नहीं आया मैं 4 बजे तो लभन लगी हाँ मेरा पुत मैनू नहीं लभ्या मर जा चाहिए मैनू इंसाफ देना राजा राम उस नहीं मिलिया इन्होंने पुलिस को उतरा दी उस तो बाद पुलिस ने भी CC कैमरा रात देखा तो 2:30 बजे तक CC कैमरे च आया कल परसों कल डेड बॉडी नहर च मिली ਭੱਟੀ ਵਾਲ ਲੱਗੋ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋ। भारतीय जनता पार्टी उत्तरी हलके के द्वारा पंडित दीन उपाध्यक्ष सिखलाई महाअभियान के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन गोल्डन व्यू रिजॉर्ट में किया गया। जिला प्रधान नरेश शर्मा की अध्यक्षता में लगे शिविर में मुख्य अतिथि स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल जोशी रहे। इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत की सोच ने देश में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। आज देश का बच्चा बच्चा सफाई की चिंता करने में लगा है। सफाई के प्रति सोच बदलने से भी भारत स्वच्छ होगा, इसलिए लोग गली मोहल्लों की चिंता बाद में करें, पहले खुद की चिंता करें, खुद सफाई के प्रति प्रेरित हों और बाद में किसी को सुझाव दें। दिया जिम्मेवारी मिलन ते मैं पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ।
तो सब तो ज़्यादा धन्यवादी हाँ अपने वड्डे भरा जिन्हां दे मार्गदर्शन से असीं चलदे हाँ श्री अनिल जोशी जी का, क्योंकि इन्हां दी पारखी नज़र ही है जिहड़ी कि हर वर्कर दे विच कोई ना कोई खूबी लभदी है ते उन्हां नूं शार्प करदी है। मैं इस मौके ते तुहाडे सारिआं दे नाल भगवत गीता दे विच लिखिआ एक संदेश सांझा करना चाहांगा कि तुहाडे विच जे कोई अच्छाई है ते ओह अच्छाई ते दुनिया नूं नज़र आउंदी है, तुहानूं अपने बारे नहीं पता हुंदा पर वह पारखी नज़र जिहड़ी तुहाडी अच्छाई लभदी है वह सब तो वधिया है, तो वह पारखी नज़र मेरी पार्टी हाईकमान की ते मेरे मंत्री श्री अनिल जोशी की है जिन्होंने मैं मान बख्शिया। मैं पूरे तन मन धन दे नाल सेवा करांगा और बेनती करदा कि मैं दिन रात एक करके संगठन दे अपना सेवा करता रहांगा। धन्यवाद। तो साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी वालों सारे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिखलाई महाअभियान शुरू किया गया सी जिहड़ा मंडल लैवल तक उन्होंने कहा सी करना, तो असी अज पूरे नॉर्थ हल्के का जिहड़ा चार मंडल है ये चार मंडलों का जिहड़ा महासिखलाई अभियान जिहड़ा किया जिहदे च पार्टी की विचारधारा आइडियोलॉजी जिहड़ी है वो सरकार जिहड़ी मोदी जी की सरकार आ वो की स्कीमां चला रही है उन्होंने लोगों तक किस तरह पहुँचाना पार्टी का विस्तार किस तरह करना। पार्टी अज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है मैंबरशिप जिन्हें 11 करोड़ तो उपर मैंबरशिप जी की है पूरे हिंदुस्तान च अज तक इन्नी मैंबरशिप दुनिया च किसी पार्टी की नहीं जी कितना संघर्ष किया तो अज ये पार्टी जी है पूर्ण बहुमत के भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है मोदी जी की अगुवाई के उस तो बाद उपलब्धियां की है मोदी सरकार दियाँ उस तो बाद जिहड़ा कार्यकर्ता नूं किस तरह का अपना कार विहार रखना चाहिए किस तरह संगठन करना चाहिए उस तो बाद इलैक्शन जिहड़ियां आने वाली उन्हां बारे भी विचार जिहड़ा होया समापन दे विच ते मैं सब कार्यकर्ता नौरतियां नूं वधाई दिंदा बहुत बहुत कि उन्होंने पूरी गिनती दे विच इनवॉल्व होके विच फिर असीं चर्चा का भी सत्र चलाया विच कि कार्यकर्ता ने अपने एक्सपीरियंसिस आप जो करना कर रहे हो जो करना चाहते हैं स्वच्छ भारत देते जिहड़ियां स्कीमां मोदी जी ने चलाईआं उन्हां दे उत्ते कि वो आप विच इनवॉल्व हो के लोगों तक ये स्कीमां पहुँचाउणगे स्वच्छ भारत वास्ते आप एफर्ट करनगे। देखो साडी पार्टी दे विच जिहड़ा वा खैर बिगल अज तो शुरू करना ना बिगल जिहड़े आ शुरू कीते जिन्होंने कभी काम नहीं किया वो इस टाइम पर आके बिगल शुरू करते हैं असी तो रैगूलर जदों का मैं 2007 च एम एल ए बनया उदों तो ला के अज तक एक दिन भी चैनल नहीं बैठा एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गा जिस मैं एफर्ट ना किया एक दिन ऐसा नहीं गा जिदे मैंने कोई डिवेलपमेंट की कोई अपने कार्यकर्ता बारे कोई ऑफिस के बैठ के लोगों की समस्या ना सुनिया इस करके असी तो ऑन ही हाँ शुरू तो ही जदों के एम एल ए बने हैं उदों तो ही साडा जिहड़ा वो बिगल नाल दी नाल ही अगला फूकिया हुंदा इस करके सानू कोई इहदे च मतलब है नहीं है साडी इलैक्शन जिहड़ी आ पूरे वधिया तरीके नाल नॉर्थ दिखांगे। आज अमृतसर में फतेह सिंह कलोनी अनगढ़ के प्रधान सरदार अपार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बीते दिनों जो हरदयाल सिंह ने उन पर इल्जाम लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो हथियारों के आरोप लगाए गए हैं वह लाइसेंस पर हैं। इस मौके पर ऑटो यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने भी उनके समर्थन में कहा कि अपार सिंह पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वह गलत हैं। इस मौके पर प्रदीप कुमार हरदीप सिंह बैनी गुरजंट सिंह बॉबी हरजिंदर सिंह आदि उपस्थित थे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार इस टाइम ते अहीं मैं 10 नंबर गली फतेह सिंह कलोनी रहना तो आटो यूनियन का इस टाइम तो इन्होंने सज्जना ने मैं मान दिता तो मैं प्रधान बन चुका तो जो भी गलबात हैगी अज तो 20-25 साल हो गए सानू जो भी कोई मुश्किल आँदी अं अपने अपार सिंह सरदार होना के घर आ गए जो भी गलबात अपनी बेनती करते तो साढ़े को मसला हल हो जाता तो इस तरह अज 15 अज कम से कम 31 तरीक रात को 8:30 बजे मेरे गल पे आ शंटी तो हरदयाल सिंह कप्पी तो ये होर 5-7 साथी 15-20 जने मैं कला उ डरदा मारा किसी ने कुछ नहीं किया इन्हें मैं गाला कड़िया तो मेरे गल पे तो मैं आके मुड़ के अपने महल के अपने सारे साथी इकट्ठे करके उन्होंने दसिया भी आह गल तो पैसे 2000 रुपया कहें सू दो सिक्योरिटी वजो तो अं कहते 2000 रुपया कोई नहीं देना नाले मंगते 500 रुपया हफ्ता तो नाल मंगते 2000 रुपया अं अपने बच्चे पालिए कहने पैसे दीए फिर मुड़ के उल्टा इन्हें प्रेस सद के उत्थे अनगढ़ नाले के लोगों जबरन घेर के विखावा किया भी अपार सिंह को हथियार ने ये तो डर लगता है गुंडिया नाल साथ दिंदा गुजरां दे नाल केस पाया तो इन्हों पैसे खाधे जे इन्हें खाधा तो सानू साबित करके विखा दे
तो उन्होंने लख रुपया नाम दिता जाऊगा जिन्हें भी इस बंद ने ए बाबत कोई गल की साबित कर दे तो नजायज साढ़े ना करते अं कि पास जाइए साड़ी कोई सुनवाई नहीं होती ना थाने वाले कोई सुनते तो जे अभी जिला शिकायत निवारण कमेटी ने शिकायत की थी उस ए एस ए बलविंदर सिंह ने कहा भी जिन्या मर्जी दरखास्त चलो अखीर मेरे को होनी है तो अं साढ़े नाल आ तो अं ये नाल अं जिला शिकायत कमेटी निवारण की उदो मार्क हो के घीमा थाने जाए और किसी उच्च अधिकारी ने असं गल ही की अं मेहनत कश बंदे हाँ अपनी रोटी कमाई के रोज़ थाने तुरे फिरीए साढ़े को इन्ना टाइम तो है नहीं हैंड टू माउथ वह कमा तो वह खाना पार सिंह फतेह सिंह कलोनी वासी भराड़ीवाल ये बंदे पहला भी मेरे को भी 25 साल तो कोई भी इन्हों दुख तकलीफ हों मेरे को तकरीबन अपने महल के नहीं बहर के शहर के बहरले जिले तो भी पब्लिक आँदी है इन्होंने जोड़ा इल्जाम लाया ना कि गुजरों वाला कोई इन्होंने पैसे खाधे है तो कोई भी बंदा साबित कर दे मैं उन्होंने 1,00,000 रुपया बतौर नाम दूंगा तो कभी किसी भी बंदे दे नाल इतने दार लुट हुई हो पैसे लैके आना तो अही देनदार जबकि प्रेस ने बकायदा इनकुआरी जाके की गुजरों के घरों देश पार्टी ने सहु खाधी उन्होंने सारा समान दिता गया वा ये बंदे जेडे मेरे ते इल्जाम लगा रहे हैं भी इन्हों का लाइसेंस हथियार चैक किए जा जो मर्जी 24 घंटे बूहे खोलिया कोई भी मैनू मैसेज आया कि जाके साढ़े हथियार चैक कर लें कोई असला लाइसेंस चैक कर लें तो ये आप बंदे इन्हों का 3 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस ही चैक कर लें इन्हें बहुत जो इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस सारे बंद को जो अपने प्रधान को आता वह लाइसेंस चैक किया जाए जो 3 व्हीलर वाले का कहना कि अपने को लाइसेंस ड्राइविंग भी है नहीं गा ड्राइविंग का लाइसेंस जो हाँ यह तो सारा हर एक बंद पता वा पार्टी बाजी के नाल ही सारा काम हो रहा वा वो भी इसे खड़ा मेरे को सारे बंद सिविलों ने खड़े दूजिया भी फोन आए वो DED के मैंने चले गए उन्हें फिर शामा का 4 बजे का टाइम दिता वा कि साढ़ा अच्छा कोई मखड़ा हल नहीं हो सू उल्टा अजय डरा धमका रहे इस बंद के गल पे ने सुरेंद्र कुमार के इतने आप भाई साहब खड़े लागे भाटिया जी इस बंद के गल पे ने जरनैल सिंह ये गल पे ने बंदे अजय कहीं तो अं धक्का नहीं करते बनी मुंडा इतने है वह गल पे ने इन्होंने सारे बेशक बयान लो अड्डो अड्ड जिसे मर्जी जाके मेरे तो बगैर मेरी गैर हाजी बयान लो इन्होंने हल हूँ प्रशासन के नाल पर अं पेश हो गल की जे विने जे नहीं सुनते साढ़े कोई बेनती जो कट वे को नहीं आसरा करता कोई बंदा इन गरीबों की मदद नहीं करता कादियां के नजदीकी गांव तने और कोटले के बीच कादियां से जा रही बस का बटाली की तरफ से आ रहे छोटे हाथी के साथ सीधी टक्कर होने के कारण एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। इस पर जानकारी देते गुरुद्वारा श्री चंद जी गांव रामपुरा के मुख्य सेवादार बाबा नसीब सिंह ने बताया कि हमारे गांव बाबा श्री चंद जी के ऐतिहासिक स्थान पर जो सेवाएं चलाई जाती हैं उसी सेवा के आधार पर आज हमारे चेले फतेहगढ़ चूड़ियां सेवा लेने गए थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। इस मौके पर सिविल हॉस्पिटल में बटाला के SHO लखविंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे। इस पर उन्होंने बताया कि घायलों के बयानों के आधार पर बनती कार्रवाई की जा रही है। पिंड रामपुर बाबा श्री चंद जी का इतिहासिक स्थान सीगा उस पावन स्थान पर जो सेवा सेवावान चलाई जा उन्होंने सेवा करने वास्ते साढ़े सेवादार फतेहगढ़ चूड़ियां सेवा करने वास्ते गए सन उधरों वापसी आमदिया चीमिया के कोटले के विचकार बस जी जोर न गड्डिया साढ़िया सेवादारों के बज गई तो साडा सेवादार गुरनाम सिंह जी जोड़ा मौके पर पूरा हो गया तो बाकी सेवादार जोड़े से उन्होंने सट्टा लग गई सगिया तो इस करके असी उन्होंने इतने सिविल बटाला अस्पताल में लियाता उन्हों की पहला ही मौत मौके पर हो गई सी तो असी इस करके सरकार को मंग करते हैं बाकी साढ़े 80-60 सेवादार से तो इस करके कुछ सेवादार और वाहगुरु की कृपा न बल गए पर यह मेन सेवादार सीगा साडा जिहड़ा मौके पर पूरा हो गया बस वाला मौके पर पुलार हो गया इस करके वो भी कानूनी कार्रवाई की जाए कि जड़िया इन बसा तेज बचाते होर भी जी कोई घटना वन आ भाजी कि एक्सीडेंट होया है 2 टेंपू वजे है तो बस वाले वजे है दोनों की टक्कर हुई है तो बस वाले ने कटिया इन तो उस तो बाद चले गए तो एक आदमी जरा बुरा हो गया तो 3 जख्मी हाँ 1 घंटा हो गया कोई नहीं आया ना किसी ने मदद ही की कि बस मतलब कटिया पिंड के लोगों ने उस वैसे एम्बूलेंस बहुत लेट आई है तो उसके कारण सीरीयस हो गया जी। साडा घर इतने बिल्कुल लागे जो खड़का सुनया उस टाइम इतने पहुंचे तो आंदू बस वाले थले एक बंदा आया हुआ अशानी बस के थले तो उन्होंने बस वाले पिछले ड्राइवर धक् रहे थे तो फिर अं आके बंद बहर कढ़ाया तो उस तो बाद 15-20 मिनट बाद एम्बूलेंस आई तो बंद लैके गई तो हूँ फोन चाया कि वह बंदा एक्सपायर हो गया। इनफॉर्मेशन आई सी भी छोटा टैंपू जिन्होंने छोटा हाथी बोलते हैं
तो सनी ट्रांसपोर्ट की बस ही एकदम सामने टक्कर हो गई है। गुरनाम सिंह की मौके पर डैथ हो गई है, वह बेटा जख्मी है, उन्होंने बैन ला के जोड़ा भी पुलिस कार्रवाई कर रहे बस से जम्मू। पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी का मानना है कि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के नेताओं की ओर से सत्ता के नशे में भाजपा कार्यकर्ताओं का दमन किया जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वे खुद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मिलकर उनसे गुजारिश कर चुके हैं कि अकाली भाजपा गठजोड़ जिसे उन्होंने खुद आगे बढ़कर बनाया था उसे टूटने से बचाएं। कैबिनेट मंत्री आज एक रिजॉर्ट में आयोजित परीक्षण शिविर के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब भाजपा के प्रधान बनने के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा हाईकमान ही कोई फैसला ले सकती है। गल नहीं होना, ये IIM जिहड़ा वा इत्थे क्लासां शुरू हो चुकी हैं। IIM जिहड़ा वा किसे टाइम ते लगदा सी लोकां नूं कि जा रहा, उदों मैं पूरा स्टैंड लिया उहदे ते, इहनूं फिर जमीन भी लई गई, रजिस्ट्री भी हो गई, उस तों बाद हुण ते सिर्फ उद्घाटन बिल्डिंग दा करन वाला वा, क्लासां इत्थे शुरू हो चुकियां। IIM जिहड़ा वा उह शुरू हो गया अमृतसर दे विच। गुरु महाराज ने जो मंच सोच पाई है वह सक्सैस भी होए हैं। यह अमृतसर उत्तरी हल्के नूं पंजाब दा सब तों सोहणा डिवैलप हल्का बनाउण दा सुपना सी, असीं उहदे भी नेड़े तेड़े हाँ। IIM जिहड़ा वा उहदे ते आपां स्टैंड लिया, वह भी इत्थे लग गया। स्मार्ट सिटी का जिहड़ा वा अमृतसर दे विच नंबरां च कमी सी, असीं नहीं सी उहदे च फाल करदे कंपीटीशन दे विच, उहदे बावजूद परमात्मा ने गुरु महाराज ने डिपार्टमेंट दिता ते इह भी सुपना साकार हो गया, भी रुतबा जुड़ गया अमृतसर दे नाल। हैरीटेज सिटी आलरेडी जेटली साहब इहनूं डिकलेयर कर चुके आ, डिवेलपमेंट इत्थे रात दिन डिवेलपमेंट हो रही आ, ते इह जिहड़े सुपने हैगे सी उह सारे परमात्मा साकार कर रहा, सब साथियों के सहयोग के नाल साकार हो रहा। तो अज तक कोई गल नहीं हुई, मैनूं इह कहण च कोई संकोच नहीं गा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दमन हो रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाया जा रहा, ताकत के नशे के साडे कार्यकर्ता जिहड़ा वह मारिया जाता, उस तों बाद उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता, ये मैनूं कहण च कोई गुरेज नहीं। तो मैं बादल साहब नूं पहला भी अपील मिल के भी की है, मैं बादल साहब नूं अपील करांगा कि ये तुहाडे द्वारा जिहड़ा ये कोलीशन बनाई गई है, ये तुहाडे द्वारा समझौता वा पार्टियां दा, इस करके तुसीं बादल साहब साडे कार्यकर्ता की सार लो, इन्हां नाल नाइंसाफी हो रही है, इन्हां दा उत्पीड़न हो रहा, तो इन्हां नूं जिहड़ा वा ये इंसाफ नहीं मिलता पिया, बादल साहब इहदे ते नोटिस लैण गया। ये मेरा मैटर नहीं है, पार्टी हाई कमांड दा। पाकिस्तानी रेंजर्स के DIG मेजर जनरल उमर फारूकी की अध्यक्षता में 15 सदस्य का वफद आज मीडिया से उरुख होता हुआ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर मीडिया से वह अपना बचाव करते हुए नजर आए और वह दिल्ली में BSF DIG स्तर की बातचीत करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर BSF के अधिकारी भी कुछ उनके साथ उपस्थित थे, जो कि एक विशेष विमान के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पठानकोट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लुधियाना में नाबालिग के साथ हुए रेप और हत्या को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पठानकोट ढुलोजी रोड पर दोषियों के पुतले फूंके और जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर परिषद के सभी सदस्य दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की है कि अगर दोषियों को कड़ी सजा दी जाती है तो दूसरे लोगों के लिए भी ये एक मिसाल बनेगी और लोग इस तरह की घिनौनी हरकत को करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बलात्कारियों को सजा नहीं मिली, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और स्कूल वाले, उस लड़की के स्कूल वाले ये कह रहे हैं उसके घर वालों को कि आप 5 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो। हम क्यों अपना मुंह बंद रखें? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा लड़की के साथ नहीं होना चाहिए और हर लड़की को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये गलत है। हम लोग वेट नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये सब हो और जल्दी से जल्दी पुलिस को इसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चीज़ की मंग करता कि लुधियाना के अंदर जो रेप केस होया उस अंदर बच्ची की जी नाबालिग बच्ची का जो हत्या करके नहर के अंदर सुटिया गया इस चीज़ के उत्ते कड़ी तो कड़ी कार्रवाई की जाए। पंजाब सरकार वालों उन्होंने बलात्कारियों अरैसट कर लिया गया पर हाले तक उस चीज़ के उत्ते कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया कि ऐसे सख्त एक्शन लेने चाहिए कि जिस कारण आने वाले समय के अंदर कोई भी इंसान इस तरह की हैवानियत के उत्ते उतरन तो मज डर रहे उन्होंने अंदर आदमी इंसान के अंदर डर पैदा होना चाहिए। अज समाज के अंदर साड़िया तिया भैन जो बाहर निकलियां बाजार के अंदर सानू इसी चीज़ का डर होंगे कि पता शाम को सेफ आनगियां कि नहीं आनगियां। इस डर को समाज के अंदरों खत्म करना विद्यार्थी परिषद इस चीज़ की लिए संघर्ष कर रही है। विद्यार्थी परिषद गर्ल सिक्योरिटी वूमेन्स पावर नेशन पावर की गल करती है तो ऐसी चीज़ के लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी। अमृतसर में कल शाम सी डिवीज़न के थाना इंचार्ज NS माहल जो कि DSP रैंक में आए थाना सी डिवीज़न में SHO की भूमिका निभाते हुए चौक शहीदा साहिब में ASI पन्नालाल तथा गुरनाम सिंह और अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी की। इस मौके पर NS माहल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर जितेंद्र सिंह औलख जी के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर में स्नैचिंग व्हीकल चोर आदि जैसे आरोपियों को ध्यान में रखते हुए नाकाबंदी की गई है। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर जाने वाले ट्रिपलिंग करने वाले तथा बिना कागजों के वाहन चलाने वालों के चलान भी काटे गए। बेसिकली साड़ी मुहिम है स्नैचर्स के खिलाफ बढ़ रहे अजकल आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकल्स बहुत बढ़ रहे हैं पर कागज किसी को भी पूरे नहीं है। लाइसेंस नहीं होवे RC ना होवे कोई ना कोई ऐसा इशू क्रॉप अप कर रहा है। नंबर प्लेट्स ठीक ना लगना उन्होंने चलान हो रहे हैं। सो बेसिकली एक जनरल एरिए दे विच एक मैसेज देने की कोशिश है कि अपने तुहाडे पेपर्स कंप्लीट होन तुसी कानून दे अनुसार चलो तो कोई दिक्कत नहीं है किसी नूं। जिहड़े लोग हैलमेट पाउंदे ने जिहड़े लोग अपना चाहे वह मतलब जिन्नियां हदायत जो जनरल हदायत ने उन्होंने मानते हैं तो किसी नूं कोई दिक्कत नहीं है असीं उन्होंने नहीं रोकते पर दूसरे हर बंदे नूं रोकिया जाएगा उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई होएगी। जिहड़े बंदे कोल हैलमेट नहीं है जिन्हों को लाइसेंस नहीं है RC नहीं है या जिहड़े साबित नहीं कर सकते कि भी वह आप कह सकते हैं भी कि कित्थे जा रहे हैं कित्थे आ रहे हैं अगर सानू लग रहा है शक्की लग रहे हैं या वो कोई गलत माड़े आंसर ने तो उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। असी देखो जी चैकिंग तो जरूर करते हैं कई बार कई रीज़न होंगे ने जहाँ करके किसी ने कोई कपड़ा बने असी हर किसी तो इस चलान तो नहीं करते जिदा सरदार कोई बंदा है अगर जिम्मे असी उन्होंने चलान नहीं करीदा पर हाँ यह है कि उन्होंने शक की निगाह ना जरूर उन्होंने निगाह के रखी देखी है कि वह बंदे ठीक ने कोई गलत काम तो नहीं कर रहे बस इन्ना की ध्यान देना। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सफाई के प्रति सोच बदलने से स्वच्छ होगा भारत कहा कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने। तरनतारन में 1965 की जंग के उपलक्ष्य में मनाई गई गोल्डन जुबली। अकाली सत्ता के नशे में कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं का दमन कहा कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक लीजिए इजाज़त।